मिल गए दिया और रतन, एक हो गए दो प्रेमी। रतन ने दिया के लिए रोमांटिक माहौल बनाया, उसे प्रपोज किया और दिया ने रतन के प्यार को स्वीकार भी कर लिया और गले लगकर अपने प्यार का इजहार कर लिया। ना अब उम्र की सीमा है, ना समाज का डर, पति पत्नी की ये जोड़ी आखिर एक हो ही गई। ये सारा प्यार का झूठा नाटक, ये सब नहीं चाहिए हमें। नहीं चाहिए ये सब। अगर हमें कुछ देना चाहते हैं तो आजादी दीजिए। आपकी पहरेदारी करके, आपकी ये सारी जिम्मेदारी उठा के थक गए हैं हम। मगर ये क्या, अचानक रतन शाह ने दिया के लिए जो सरप्राइज प्लान किया था वो बर्बाद हो गया। रतन के प्यार को दिया ने ठुकरा दिया, रतन के लाए हुए कार्ड्स को फाड़ कर फेंक दिया, सोने के कंगन भी उछाल दिए और फूलों की सजावट भी बिखेर दी, क्योंकि दिया को रतन का प्यार मंजूर नहीं। ऐसा लग रहा था मानो वो बदला ले रही है। रतन समझ ही नहीं पाया कि आखिर दिया ने ऐसा क्यों किया, और दिया ने मांगा भी तो क्या, एक चार्टर्ड प्लेन। वही मुझे भी समझ नहीं आया, कुछ ज्वेलरी या कुछ और नहीं चाहिए, लेकिन सीधा उन्होंने चार्टर्ड प्लेन की डिमांड कर दी। लेकिन अब पता नहीं क्यों किया, कोई तो रीजन होगा पक्का। अब लड़कियां हैं, लड़कियां तो खर्चा करवाएंगी, ऊपर से राजा हैं, तो चार्टर प्लेन उनके लिए कुछ बड़ी बात नहीं है। आई एम श्योर वो लाएंगे, और वो इतने कंजूस नहीं है। तो हाँ, मैं और वो आतंकवादी बड़े मजे से चार्टर प्लेन में घूम घूम के जाएंगे। रतन ने कितनी तैयारी की थी, अपने घर को कितना सजाया था, दिया को भी इस जगह लाने के लिए वो खुद गया था। उस कमरे में भी कुछ रोमांटिक माहौल बन गया था। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप मुझसे मांग लीजिएगा। मगर रतन को कहां पता था कि उसे ऐसा सीन देखना पड़ेगा, क्योंकि वो तो जानता भी नहीं कि ये सब कुछ उस आतंकवादी के कहने पर हो रहा है। दिया की भी मजबूरी है, और जो वो आतंकवादी है वो उसे बहुत प्रेशराइज कर रहा है और बोल रहा है कि आप रतन के साथ नहीं जा सकते, आपको मेरे साथ होना पड़ेगा। तो मैं ज़बरदस्ती वो सारा जवाब देती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली रतन के गले में जो लॉकेट है उसमें कैमरा है और वो आतंकवादी सब कुछ देख सकता है। सो आई कांट रियली लाई, मुझे वो जो बोले वो करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो सब देख सकता है। दिया मजबूर है, इसीलिए वो रो रही है। मगर हाँ, दिया के हाथों में ताकत बहुत है। एक टेबल और उस पर रखे हुए ग्लासेस उठाकर उसने फेंक दिए हैं। Oh yeah, that way I am pretty strong. मैंने ऐसे उठा के फेंक दिया, so I think we got a good shot, क्योंकि उस टेबल के ऊपर कांच के ग्लासेस थे, तो when the table fell, वो कांच के ग्लासेस उसके बाद ठप ठप करके फूटे एंड आई थिंक वी गॉट अ रियली गुड शॉट। तो हाँ, ताकत तो है बाबा। रतन तो दिया के प्यार को पाने का सपना देख रहा था, मगर उसका सपना चूर चूर हो गया, और रतन के पास अपनी काकी मासा से लिपट कर रोने के अलावा कोई चारा नहीं, जब तक आतंकवादी का खेल समाप्त नहीं होता। मुंबई से राज दीक्षित की रिपोर्ट। ये है ABP News, आपको रखे आगे।